भिंड जिले में अवैध शराब का कारोबार रोक पाना पुलिस और प्रशासन के लिए बेहद चुनौती बना हुआ है। मुरैना में जहरीली शराब से 28 मौतों के बाद भिंड में प्रशासन ने सख्ती की तो माफिया ने सरकारी स्कूल में ही फैक्ट्री शिफ्ट कर दी। गढ़ी हरक्षा गांव के सरकारी स्कूल में फैक्ट्री से शराब बनाने के सामान के साथ बनी हुई शराब भी मिली। इतना ही नहीं, माफिया ने स्कूल में खाली क्वार्टर की बोरियां छुपा रखी थी, यानी यहाँ बड़े स्तर पर कारोबार चल रहा था। स्कूल में शराब फैक्ट्री का खुलासा भी तब हुआ जब गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में गांव वाले पहुंचे। इस मामले को लेकर जिले के एसपी ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ये गोरमी के हरीछा ग्राम में जो माध्यमिक शिक्षा स्कूल है उसमें अवैध शराब मिले हैं, जिसमें देशी शराब भी है और जो IMF होता है इंडियन मेड लीकर फॉरेन लीकर वो भी मिला है। इसके साथ ही साथ वहाँ OP भी मिला है और शराब बनाने की ढेर सारी सामग्री बरामद हुई है। सर काफ़ी जो फैक्ट्री में पैकिंग का सामान और वो सब भी मिला है। ये आपका कहना बिल्कुल सही कि वहाँ खाली बोतल मिले हैं, रैपर्स मिले हैं, उनकी सीलिंग के सामान मिले हैं, सारी चीज़ें मिली हैं जिसकी जांच की जा रही है। सर स्कूल में कैसे चल रही थी ये वहाँ के प्राचार्य? ये काफ़ी आश्चर्य का विषय है कि स्कूल में कैसे दारू की फैक्ट्री चल रही थी, फिर भी हमारा प्रयास है कि हम आरोपी तक पहुँचेंगे। मुरैना में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद प्रशासन शराब माफियाओं पर शिकंजा कस रहा है, लेकिन सरकारी स्कूल में शराब मिलने के बाद स्कूल के शिक्षकों की भूमिका पर भी संदेह खड़ा हो गया है। यही वजह है कि अब शिक्षा विभाग भी इन शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। भिंड से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।